श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर के तत्वावधान में मानसरोवर स्थित मैदान में चल रहे रामलीला मंचन में राम भरत मिलन और श्री राम राजाभिषेक के साथ रामलीला का समापन हुआ। राम को राजगद्दी मिलते ही तीनों लोक में खुशियां मनाई गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर मंगल कामना की। रावण वध और लंका विजय के पश्चात राम लक्ष्मण सीता और वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में राम और भरत गले मिले। इस दौरान दोनों भाइयों की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ के आदेश अनुसार राम को राजगद्दी दी गई। राम को राजतिलक लगाकर राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक होते ही अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा राम ने दरबारियों, शुभचिंतकों और याचकों को उपहार प्रदान किया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने राम दरबार की आरती उतारी और सभी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों का अनुकरण करते हुए ईमानदारी के साथ अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। इस दौरान रामलीला कमेटी के महामंत्री पुष्पदंत जैन द्वारा सदर सांसद को रामायण भेंट कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, बड़े सौभाग्य की राम
14 वर्षों की अवधि में लेकर के अयोध्या आए और हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा भगवान का भगवान की बड़ी कृपा है। कैदी की शैली अपनी अलग है और श्री रवि किशन जी जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बहुत प्रिय हैं और गोरखपुर में अपनी सीट को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी श्री रवि किशन जी को समर्पित किए और वह तब से लगातार गोरखपुर में कार्यों की वर्षा कर रहे हैं और हम सबके बीच आकर के सदैव अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज अयोध्या में हमने राम का मंदिर बनाता 500 साल का वो युद्ध रहे सनातन धर्म हिंदू धर्म का, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूज्य योगी महाराज जी और अनगिनत कार सेवक साधु संत अखाड़ा मिलके उस संपूर्ण भय और आज हमने के जीते जी आज प्रभु राम के मंदिर के हम लोग देखल जाए तो बोला जय श्री राम। अरे जय जय श्री राम। समक्ष तू शब्द बोले के काबिल बना दिले पूज्य महाराज जी रलन लगा दी। श्री महान योगी आदित्यनाथ महाराज जी के खालीश्वर गोरखपुर मुख्य के संरक्षण पालन बहुत ये जगह बहुत पावन है, ये धरती बहुत पावन है जहाँ पर ये रामलीला हो रही है और मुझे सौभाग्य हुआ कि हम अभी पूजा करें। बच्चा लड़का माई बहन बाबा बच्चा लोग सब लोग के हम गोर छू के प्रणाम कर पुजारी कर लेता है। बचपन से हम रामलीला करते हैं तो रामलीला हमारे शरीर में बा जब हम दुपर पत्थर रहे माता सीता बनते थे। पिछली बार हम भगवान भरत जी का रोल किए हर साल हम रूप धारण करते हैं क्योंकि रामलीला सनातन धर्म हिंदू धर्म हम लोगों के संस्कार का हम लोगों के पहचान का यही तो बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हमने हिंदू के भगवान हैं हमने भगवान का रामलीला हो और यह भव्य रामलीला ईशान्य नगर के गोरखपुर में होती है। धन्य है ये धरती धन्य है जैन साहबा धन्य है ये समिति ये सब लोग गर्भता से धन लुटा देते हैं समय दे रहे हैं 9-10 दिन सब लोग काम धंधा बिजनेस अपना करोड़ों लाखों का नुकसान करके यहाँ छोड़ दिए हैं अपनी समस्त जनता की सेवा में कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे रहना है हमारे माई सीता कैसे रहने कैसे हमारे लड़के को मर्यादा पुरुषोत्तम का पुरुषों में उत्तम बनाना है कैसे भगवान राम की तरह एक पश्चिम रूप में चलना है माता सीता की तरह रहना है भाई लक्ष्मण जी की तरह रहना है भरत जी की तरह रहना है कैसे हनुमान जी की तरह शिष्य बन के अपने गुरु की सेवा करनी है कैसे धर्मों का पालन एक लॉ बुक्स ऑफ लॉ है रामायण अगर आप पढ़ेंगे सब बुक्स ऑफ लॉ कैसे समाज में जिया जाता है अगर रामायण आप पढ़ोगे कभी गलत रास्ते नहीं जाओगे कभी रावण नीति में नहीं जाओगे ये सीखना जरूरी है हम लोग लोगों के आगे आए वाला पीढ़ी के ये कोनो गलत नशा पाती में ना पड़े कोनो गुंडाई में ना पड़े चोर डकैती में ना पड़े हमारे लड़का कहीं गली में गलत रास्ता ना चल जाए कोनो गलत संगत में ना पड़े। देखा ईमानदारी के रास्ते मोदी जी कहाँ पहुंच गए पूज्य योगी जी कहाँ पहुंच गए हम तो मिट्टी के घर से यहाँ तक पहुंचे हैं ईमानदारी के रास्ते से। ईमानदारी हमारी शक्ति बा तभी हमें पूरा देश प्यार करता है तभी करता है देखा रवि किशन हमारे हीरो है तभी कहा ना देखा ये हमारे सांसद है ईमानदारी यही मर्यादा
सनातन नाम सिखाते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने किया, यही नाग संपदा ने किया, यही गोरक्ष मंदिर ने कहा, बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। मुझे गर्व है अपने पिताजी पर, पंडित हमीरा नमः पार्वती पते। इससे सुंदर दृश्य क्या होगा, एक महीने का बच्चा भी मेरे राम को देखने आ रहा है, दुर्गे जी भी आए मैडम, जय हो दुर्गे, स्वागत है आपका। विरोधी माता की जैन साहब के हाथों हमको ये श्री रामचरित्र मानस रामायण मिल रहा है, बड़ा भाग्यशाली। बहुत बहुत आदरणीय सांसद श्री रवि किशोर, बड़ा अच्छा लगा जैन साहब की ये आर्य नगर की ये समिति है, 104 साल से ये राम लीला हो रही है, पूज्य महाराज जी इसके संरक्षण है, तो यहाँ आके एक बड़ा भव्य मेला लगता है। और पिछले साल इसका थोड़ा सा आकर्षण कोरोना के वजह से कम हुआ था, लेकिन इस साल इसको इसकी भव्यता देख के बड़ा अच्छा लगा। और बहुत मैं धन्यवाद दूंगा विश्वजीत जैन साहब को और इनके समिति के सारे लोगों को कि सनातन धर्म संस्कार प्रभु राम की बातें, अयोध्या में वहाँ मंदिर बन रहा है, रामलीला, अभी हम परशुराम जी का रोल अयोध्या में करके आए हैं, रामलीला के साथ मेरा जीवन जुड़ा है, तो ऐसे सारे कार्यक्रमों में मैं आके मुझे अपने बचपन की याद आती है, स्वयं के अंदर का कलाकार भी बाहर आता है, प्रभु राम की वो सारी बातें जो मेरे पिताजी मुझे बताते थे वो सारी जीवित हो जाती है, और मैं एक नॉस्टैल्जिया इंग्लिश में कहते हैं, मैं एक पुरानी यादों में चला जाता हूँ, और मेरे साथ रामलीला की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ अपने संसदीय क्षेत्र में आके और ऐसे सब भव्यता को देख के। ये बहुत सारे बहुत लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, गोरखपुर की यही आत्मा है, यही मेला, ये सारी चाम को लोग खो रहे हैं बड़े शहरों में, ये सारा मिलन, ये लोगों का एक परिवार के तरह आना, रामलीला को देखना, यहाँ पे खाना, यहाँ सामान खरीदना, यहाँ पर घूमना, एक परिवार में जो खुशियाँ है, इससे पता चलता है मेरा नया भारत, मेरा नया उत्तर प्रदेश, मेरा नया गोरखपुर। धन्य है यशस्वी प्रधानमंत्री जी, धन्य है पूज्य योगी महाराज जी कि कोरोना काल को खत्म करके ये भव्यता को दोबारा जीवित किया। सनातन धर्म के सभी लोगों की तरफ से मैं सांसद रवि किशन शुक्ल अपने प्रधानमंत्री को, अपने पूज्य योगी महाराज जी को और संगठन को धन्यवाद देता हूँ, सारे कोरोना वॉरियर को, डॉक्टर्स को, कि कोरोना काल को समाप्त नहीं करते तो ये त्योहारों का भव्यता हम लोग नहीं देख पाते। धन्य है ऐसी सरकार।